दोस्तों आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हम बीटा प्रोग्राम में तो आ चुके हैं, जैसे कि व्हाट्सएप का बीटा वर्जन हम इंस्टॉल कर चुके हैं, अब इससे हम बाहर कैसे आएं। दोस्तों बीटा वर्जन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और पब्लिक वर्जन में उसे सुधार करके लॉन्च किया जाता है। तो आज मैं आप सभी को आप ही के क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि कैसे आप बीटा वर्जन से रिमूव हो सकते हैं, उससे एग्जिट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ़ोन ऐप है, उससे मैं एग्जिट होना चाहता हूँ, यानी कि इसका मैं पब्लिक वर्जन यूज करना चाहता हूँ, इससे मैं बीटा वर्जन अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अगर इस एप्लीकेशन के नीचे आता हूँ तो कहीं भी मुझे लीव का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। पहले अगर आप बीटा वर्जन में होते थे तो आपको एक लीव का ऑप्शन मिलता था, लेकिन यहाँ पे कोई भी लीव का बटन नहीं है। तो आखिर ये कैसे होगा? तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और इस घंटी को ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप इस मैटर को लेकर आप YouTube पे भी सर्च करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और जो आज मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ एकदम नया और लेटेस्ट है और बिल्कुल 100% काम करती है। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और ओपन करने के बाद गूगल में आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? तो यहाँ पर जिस एप्लीकेशन को आप रिमूव करना चाहते हैं बीटा वर्जन, यहाँ पे आप उसका नाम लिखेंगे, जैसे कि गूगल फ़ोन ऐप बीटा वर्ज़न। इसी तरीके से अगर आप व्हाट्सअप का बीटा वर्ज़न लिखेंगे तो आप व्हाट्सअप से रिमूव हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल फ़ोन ऐप बीटा वर्ज़न लिख दिया एंड इसके बाद आप इसे सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको लिंक पर ध्यान देना है कि जहाँ पे टेस्टिंग लिखा होगा वहीं पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे टेस्टिंग लिखा हुआ है एंड अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे दिया कि गूगल फ़ोन ऐप से आप रिमूव हो सकते हैं। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल एरिया जो दिख रहा है, इससे आपको ईमेल आईडी से साइन इन कर लेना है जिस ईमेल आईडी से आप बीटा वर्जन में हैं। यहाँ पे अभी आपको नहीं दिख रहा होगा उसका लोगो। तो यहाँ पे आप नीचे अगर आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा लीव द प्रोग्राम एंड यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके आप इस प्रोग्राम से लीव हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू लेफ्ट द टेस्टिंग प्रोग्राम। अब कह रहा है कि टू स्विच द पब्लिक वर्जन अनइंस्टॉल द टेस्टिंग वर्जन, यानी कि सबसे पहले ऐप को अनइंस्टॉल करना है उसके बाद इसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए हम ये प्रोसेस भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ और फटाक से इसे अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट करने के बाद यहाँ पर अभी भी बीटा वर्जन है, लेकिन अगर आप माई ऐप्स में जाकर देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप बीटा में आएंगे तो यहाँ से ये हट चुका है। दोस्तों इसी तरीके से आप किसी भी एप्लीकेशन से बीटा वर्जन रिमूव हो सकते हो। दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप मैसेंजर का बीटा वर्जन रिमूव करना चाहते हो तो उसका बैकअप ज़रूर ले लीजिएगा, अदरवाइज आपका सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को ऑन कर दीजिएगा।